हरियाणा कृषि मंत्री ओपी धनखड़ द्वारा झज्जर में बादली हलके के अधिकारियों और स्थानीय ग्रामीणों के साथ एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान धनखड़ ने कहा कि आगामी 11 अगस्त को बादली हलके के हर घर में नींबू के पौधे लगाए जाएंगे और एक ही घंटे के अंदर ये पौधे हर घर में वितरित कर दिए जाएंगे और उन्हें हर घर में लगा भी दिया जाएगा। मर तो कोई भी नहीं है, मृत्यु तो मनुष्य की भी है और पशु की भी है। अगर उम्र से मृत्यु हो रही है तो उससे एक स्वाभाविक मृत्यु है। गाय की उम्र 15 साल होती है और अगर किसी चीज़ की कमी के कारण से मृत्यु हो रही है तो गौशालाएँ जानकारी देंगे उनको, जिस भी चीज़ का अभाव है उसकी पूर्ति करेंगे। मेरी जानकारी में नहीं है जो आप बात बता रहे हो, लेकिन गौशालाएँ जानकारी देंगे तो उसके लिए गौ सेवा आयोग बनाया हुआ है और गौ सेवा आयोग को 20 करोड़ रुपये का सालाना बजट दे रहे हैं उन गौशालाओं की मदद करते हैं। तो लगभग कितना दान दिया जाता है गौशालाओं को उनकी जरूरतों में? गौशालाएं भी कई तरह की हैं, कुछ गौशालाएं परमात्मा की कृपा से संपन्न गौशालाएं हैं जिनको हमारे सहयोग की जरूरत नहीं होती, कुछ गौशालाएं ऐसी जिनको सहयोग की जरूरत होती है और गौ सेवाओं की मदद करता है और हम जो मंत्रीगण हैं वो अपनी इच्छित निधि से भी मदद करते हैं। मैं अकेला हरियाणा में ऐसा मंत्री जिसने 5 करोड़ रुपये अब तक 4 वर्षों में गौशालाओं को सहयोग किया। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।